कहाँ है सरकार, कहाँ है डिपार्टमेंट, कहाँ है बॉडी, कहाँ है एसडीओ, कहाँ है सीओ, कहाँ है डीसी? क्या देखता है ये लोग? सरकार का राजस्व को क्षति हो रहा है। पत्थर के अवैध कारोबार और राजस्व लूट की खिलाफत सदन से सड़क तक कर सुर्खियों में आए सत्ता पक्ष के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम इन दिनों लगातार अपने मुहिम को जारी रखे हुए हैं। मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने सड़क पर उतरकर बगैर माइनिंग चालान के वाहनों को पकड़ खनन व माइनिंग विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ललमटिया में प्रेस को जानकारी देते हुए उन्होंने जो कहा वह बेहद हैरान करने वाला है। आज हम 10:30 बजे निकले हैं और 7 बजे बोरियो तक हम पहुंचे हैं, वहां से लौट रहे हैं। एक भी गाड़ी में चालान नहीं है। अभी आप लोग जाइए, यहां से लेकर के 70-80 गाड़ी लगी हुई है कतार में, एक भी गाड़ी में चालान नहीं है। मात्र एक गाड़ी में चालान था, एक गाड़ी में चालान था, उसमें लिखा हुआ था 400 CFT, लेकिन लोड है 900 CFT। बिफरते विधायक ने शासन और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक बार फिर पत्थर माफिया व बगैर माइनिंग चालान के ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। छोटा सा चोर को पकड़ने के लिए जिसका घर द्वार नहीं है उसको रपटने के लिए 24 घंटा पुलिस लगी हुई रहती है, और इतना बड़ा लाखों लाख का चोरी हो रहा है, कौन है देखने वाला? जवाब देना शासन पर, शासन और सरकार। मौके पर उन्होंने बालू लदे एक वाहन NL01Q2124 को पकड़कर ललमटिया पुलिस को सुपुर्द किया, जो 10 तारीख के चालान पर 13 तारीख को बालू लेकर ललमटिया के रास्ते बिहार जा रही थी।